सो हेलो गाइस, वेलकम टू मैकेनिकल डिजाइनर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डेवलपिंग टाइप ऑफ वीडियोस। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक सोशल मीडिया चैनल्स में हमको फॉलो कीजिए। हम इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह में अवेलेबल है, हर जगह में हम लोग अपडेट देते रहते हैं। तो इस वीक का नया एंड फ्रेश बंगाल न्यूज़ में आप सब लोगों को स्वागत है। बंगाल न्यूज़ में हम लोग वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट, नया नया इन्वेस्टमेंट, नया नया जॉब अपॉर्चुनिटी एंड ओवरऑल वेस्ट बंगाल में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसका बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो बंगाल न्यूज़ का जो एपिसोड है उसको बहुत प्यार दीजिए, हर एक जो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो पहले तो हम हर एक सब्सक्राइबर को हैप्पी न्यू ईयर 2024 का प्री विश देना चाहते हैं। तो आप लोगों का जो न्यू ईयर है बहुत अच्छा जाए, बहुत महत्वपूर्ण जाए। तो पहला जो बिग न्यूज़ आ रहा है, मालदा टू बेंगलोर का जो अमृत भारत जो प्रोजेक्ट है, जो पहला रेल है, वो इनॉग्रेट कर दिया चुका है पीएम मोदी जी के द्वारा। तो ये जो अमृत भारत ट्रेन है इसका बहुत सारे न्यू फीचर्स है, डेवलपमेंट न्यूज़ है, तो उसका बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम लोग नया जो अमृत भारत का फीचर्स जान लेते हैं। देश की जीवन रेखा भारतीय रेल, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी द्वारा दो अमृत भारत ट्रेनों दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल और मालदा टाउन सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जा रहा है। ये अमृत भारत ट्रेनें आधुनिक तकनीक के साथ यात्री सुविधाओं को देंगी एक नया आयाम। आइए जानते हैं इनके फीचर्स के बारे में। इस ट्रेन में यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए LHB कोचेस को आधुनिक टेक्नोलॉजी से मॉडिफाई किया गया है। साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह ही दोनों छोर पर लगे हैं विद्युतीकृत इंजन, जिससे इस ट्रेन की स्पीड तीव्र गति से बढ़ती है। अमृत भारत ट्रेन में यात्री सुविधाओं का रखा गया है विशेष ध्यान। बेहतर LED लाइटिंग, CCTV कैमरे, सामान रखने के लिए बेहतर रैक, मोबाइल चार्जिंग स्लॉट, पैर द्वारा संचालित नल। इस ट्रेन में एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए चौड़े गैंगवे उपलब्ध हैं। साथ ही इसमें दिव्यांगजन यात्रियों के अनुकूल शौचालय भी बनाए गए हैं। ये सुविधाएं ही तो इसे बनाती हैं खास। यात्रियों को आधुनिक सुविधा के साथ आनंददायक यात्रा की सौगात देने जा रही है भारतीय रेल की अमृत भारत ट्रेन। सो अमृत भारत प्रोजेक्ट के बाद एक बिग न्यूज़ जो आ रहा है वो है आपका जो गंगा सागर मेला है वेस्ट बंगाल पे, उसके लिए प्लास्टिक फ्री ऐसा कुछ जो मेला का ऑर्गेनाइजर्स होगा ऐसा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्लान कर रहा है। तो गंगा सागर मेला प्लास्टिक फ्री होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऐसा ही प्लान कर रहा है। उसके बाद हम लोग नॉर्थ बंगाल का तड़ा देखेंगे। तो नॉर्थ बंगाल में जो आपका दिनाजपुर का जिला परिषद है वो प्लान कर रहा है 1338 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑल ओवर दिनाजपुर में। उस जगह में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट होगा, जो नॉर्थ बंगाल का दिनाजपुर एरिया को डेवलप करने में बहुत सारे हेल्प करेगा। उसके बाद हम लोग वेस्ट बंगाल का जो IT सेक्टर का ऊपर देखेंगे तो हाईलैंड बोल के एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो बहुत सारे DLF-1 में रिक्रूट्स कर रहा है। रिक्रूट्स DLF-1 में हाईलैंड का बिल्डिंग है और इस जगह में ज़्यादातर डेवलपमेंट एंड रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो वो वेस्ट बंगाल का में कोलकाता में बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी का डेवलपमेंट हो रहा है। उसके साथ गोदरेज इंफोटेक जो कोलकाता में बहुत सारे अभी फ्रेशर्स लोगों को हायर भी कर रहा है, हायरिंग भी चल रहा है। तो पहले तो ये सब कंपनी कोलकाता में रिक्रूट नहीं करते थे, पर अभी टायर टू सिटीज़ का तरह इसका मूवमेंट होने जा रहा है, जिससे हम
लोग देख सकते हो गोदरेज इन्फोटेक कोलकाता में भी डेवलपमेंट एंड बहुत सारे रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रहा है, जो कोलकाता का आईटी सेक्टर के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट का बात है। उसके बाद एक बिग न्यूज़ आ रहा है, कोलकाता पोर्ट ओपन डोर फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवर साइड लग्जरी प्रोजेक्ट। देखिए रिवर साइड जो गंगा रिवर का आसपास एरिया में बहुत सारे रिसोर्ट एंड डेवलपमेंट और होटल बना सकता है, जिसके लिए कोलकाता पोर्ट ए बिड्स रखा है, तो कोलकाता का जो रिवर साइड और भी डेवलप होगा ऐसा हम आशा कर सकते हैं। उसके बाद इंफोसिस का न्यू बिल्डिंग जो कोलकाता में है, आप लोग का ऑल इंडिया जो बिग बिग ट्विटर हैंडल है ऐसा बोल रहा है कि अपकमिंग इंफोसिस कैंपस इज न्यू टाउन ऑपरेशन अर्ली इन नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर में इंफोसिस का जो फर्स्ट कैंपस फर्स्ट फेज है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये अभी ऑपरेशनल हो जाएगा। ये कोलकाता के लिए एक बिग न्यूज़ है। उसके बाद हम लोग एक बिग न्यूज़ की तरफ जाते हैं, तो कोलकाता रेस्टोरेंट ये जो दिसंबर महीना में जो 25 दिसंबर है 31st night है, इस सब के लिए रेस्टोरेंट एरिया में बहुत आपका ग्रोथ दिखा हुआ है सेल्स में। उसके साथ साथ कोलकाता में पार्क स्ट्रीट एंड जो जू है जो टूरिस्ट स्पॉट है उस जगह में भी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेवलपमेंट एंड फुटफॉल हम लोग देख चुके हैं। तो कोलकाता इज़ इन द मूड ऑफ पार्टी मूड। उसके बाद एक बिग न्यूज़ जो आ रहा है वो है कोलकाता के में जो आपका होम सेल्स है वो भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुआ है 3656 अपार्टमेंट्स इन नवंबर। तो कोलकाता विटनेसेस ए मैसिव रेजिडेंशियल ग्रोथ इन दिस सेक्टर। तो कोलकाता वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द अट्रैक्टिंग अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर हो गया है पूरा कंट्री के अंदर। उसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं क्या पार्क स्ट्रीट एरिया में एक बिग हाईराइजर्स का काम चल रहा है। कोलकाता अपडेट से हम लोग देख सकते हैं एक 18 फ्लोर का एक बिल्डिंग पार्क स्ट्रीट एरिया में कमर्शियल बिल्डिंग हो रहा है। तो पार्क स्ट्रीट एरिया भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हो रहा है जो आपका बिजनेस सेक्टर को ग्रोथ देगा। तो आज का वीडियो यही तक था, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग प्लीज़ वेट कीजिए एंड wishing all of you the happy new year 24। आपका नया साल बहुत अच्छा चले, ऐसा टाइप के वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल।